हाय एवरीवन, सो ओनली 25 डेज बचे हमारे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। एंड लेट मी शो यू कि आज के पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, क्या पढ़ाई लिखाई करती हूँ, हाउ आई प्रिपेयर माय फुल डे, माय रूटीन, डेली लाइफ, एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। घर पे कोई नहीं है एंड आई हैव टू डू ऑल द लाइक हाउस होल्ड चॉर्स, जो भी घर के काम काज होते हैं वो सब मुझे ही करने पड़ेंगे एंड उसके बाद हम फटाफट से पढ़ाई में बैठेंगे। बट राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग माय 5 जून गोल्स कि मुझे क्या क्या करना है। सो हेलो अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय अ न्यू व्लॉग। सो आप लोगों को तो पता ही है हम एसएससी कर रहे हैं, हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम है कुछ दिनों के बाद एंड हमारी कंडीशन 75% के आसपास है, जो कि आई थिंक ठीक ही है। पहली बार एग्ज़ाम दे रही हूँ तो इतना भी ठीक होता ही है एंड मुझे डर तो नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ एंड अभी आज संडे है तो संडे का हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि मम्मा सुबह जाती सत्संग एंड पापा का सेम रूटीन शॉप का होता है, तो पापा भी चल जाते। बच्ची कौन, मैं तो पीछे मैं सारे घर के काम करती हूँ एंड उसके बाद ही हम लाइक फ्रेश अप होके उसके बाद हम पढ़ाई पे करते हैं। तो आज मैंने लाइक 9 बजे से पहले ही सारे काम कर लिए थे एंड सारे मीन्स झाड़ू पोछा, किचन वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे हम राजस्थान से, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं लगती, नहीं पंखे की, नहीं कूलर की। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा स्किन केयर कर रही हूँ, आइस लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं फ्रेश अप हो गई थी, फिर मम्मा भी आ गई थी। तो यहाँ पे मम्मा पुच्चू को ये फ्रूट खिला रही है, इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है क्योंकि अपनी इच्छा से नहीं खाती, जैसे से बहुत ही नखरीली लड़की है। उसके बाद हम पढ़ाई पे बैठ गए थे एंड मेरे गोल्स तो मैंने सुबह लिख दिए थे, लेकिन मैं सोचा चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, खुद को मोटिवेट करने के लिए इसको पेपर पर लिखते हैं। एंड जो पीछे आपको पेंटिंग दिख रही है ना, उसके पास मैंने इसको स्टिक कर दिया था एंड जो भी मेरे छोटे बहुत नोट्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पे स्टिक करती, ताकि जब सुबह मैं उठ गई हूँ यहाँ बैठूँ तो मैं ना छोटा बहुत ऐसा रिवीजन कर सकती हूँ उसको देख के, एंड इससे मुझे भी एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी मेरे और एग्ज़ाम के टाइम डर नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसे ही किया, उसको स्टिक कर दिया एंड उसके बाद इसके हिसाब से मैं अपने बैठ गई थी पढ़ाई करने। अब मैं ना एक एक करके पढ़ती हूँ अपने कोर्स आज के। तो सबसे पहले हमारा मॉक टेस्ट है रीजनिंग का एंड उसके बाद मुझे प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के पेपर्स करने थे, उसके बाद मुझे ज्योग्राफी के फुल रिटन नोट्स लिखने थे, फिर हमें करना था मेडिवल हिस्ट्री फुल रिटन नोट्स अगेन एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइम लाइम लिखी है, जैसे 4 से 5 घंटे मैक्स में, 2 to 3 hours ज्योग्राफी एंड जो मेडिवल हिस्ट्री थी उसके लिए 2 to 3 hours। यहाँ पे देखो मैंने मैक्स पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दिया बिकॉज मैक्स मतलब मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन मेरा अभी तक कोर्स बच्चा कुचा है कुछ, स्पेशली टिग्नोमेट्री जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों टिग्नोमेट्री मुझे याद नहीं हो रही और बिल्कुल दिमाग से उतर गई है मेरे तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट में लेट नाइट स्टडी स्लीप एट 1 AM। तो वैसे तो मैं 12 बजे बैठ सो गई थी, 1 बजे नहीं सोई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट अगर मैं सो गई ना तो उस पर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाएगा। यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस वर्क मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मैंने करा था। फिर लंच हो गया एंड लंच में यहाँ पे बने हैं दाल चावल, फ्रूट्स लिए हैं, उसके साथ मैंगो लिया है एंड साथ में बस कुछ ना कुछ यूट्यूब पे चला के लाइक मूवी स्पेशली उसको लगा के बस मैं यहाँ पे पढ़ाई खाती रहती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ खाने को। सीरीज़ भी मैं देखती हूँ, सीरीज़ स्पेशली कोरियन या फिर कोई लाइक चाइनीज़ मूवी होती है जो एक्सप्लेनेशन होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करी हूँ मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैं इससे पहले ना गाने सुन रही थी और बस थोड़ा बहुत है ना ऐसे एक्सप्रेशन डांस कर रही थी गाने सुनते सुनते। उसके बाद फिर मैं अपने पढ़ाई पर लग गई थी एंड जिन लोगों को नहीं पता ये रूम मेरा है एंड इस पे बेड पे ही बैठ के मैं सारी पूरी टाइम बस बैठ के पढ़ाई करती हूँ, मेरे कोई स्पेशल टेबल नहीं है, बस ये बेड ही है तो उस पे ही बैठी रहती हूँ एंड इसके यहाँ पे विंडो है मेरे राइट साइड में, तो उससे ना सनलाइट बड़ी अच्छी खासी आ जाती है एंड है ना कमरे में ना उबत नहीं होती है, मीन्स ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, थोड़ी हवा भी आती रहती है तो थोड़ा सही लगता है।
फिर यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी एंड अब थोड़ी देर आप सॉन्ग को एंजॉय करो, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। आफ्टर लंच मम्मा तो चली गई थी शॉप पे, उसके बाद पापा, क्योंकि पापा को जाना था गांव इसलिए। फिर दिन में ना लाइट भी थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो मैं सोचा चलो अपने लिए कुछ स्नैक्स बना देते। तो मैं ये पैकेट लेकर आई थी फुल पताशों का, एंड फिर मैं सोचा इसको भूनते हैं। एंड फिर इसके बाद भी ऐसा हुआ कि मुझे डब्बा नहीं मिल रहा था, तो फाइनली मेरे स्टोर में एक बड़ा डब्बा मिला था एंड उसमें फिर मैंने उनको बना के डाल दिया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मुरमुरे के साथ, सॉरी फुल पताशे के साथ हम जो मुरमुरे होते हैं उनको भी भून के लाइक पूरा एक चेवड़ा जैसा कुछ बनाते हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली थी एंड मसालों में सिर्फ काला नमक एंड हल्दी एंड थोड़ी सी मिर्ची बस, और क्योंकि काला नमक ज़्यादा सही रहता है, सिंपल नमक सही नहीं रहता हमारे लिए। तो फिर मैंने पूरा ये बनाया था एंड सबको अच्छा लगा था। उसके बाद फिर से पढ़ाई पे बैठ गई थी। अब आप फिर से एंजॉय करो व्लॉग को। तो अभी बज रहे थे रात के 10:30 एंड सब सो गए थे एंड सिर्फ मैं ही उठी हुई थी। तो बस मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैंने 12 बजे से पढ़ाई गई थी एंड ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था, इसको भी मैंने कंप्लीट कर ही दिया था। PDF में से मेरी पढ़ाई चल रही थी, और जिनको नहीं पता मैं पढ़ाई करती हूँ PDF से एंड यूट्यूब से, मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है एंड सेल्फ स्टडी करती हूँ, कोई क्लासेस नहीं जाती हूँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एंड बस इतना ही था इस ब्लॉग के लिए। थैंक यू।